अच्छा तो यार मैंने फिर वहां से किसी और की जूती उठा ली। इस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हम अपने घर से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर आए हैं। 2-3 घंटे यहाँ पे रज के नहाने के बाद ओकाड़ा में KFC की एक ब्रांच है, हम यहाँ पे आ गए कुछ खाने पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा तो यार आज है ईद का दूसरा दिन और आज मैंने और मेरे दोस्त वारिस खेरा हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं ओकाड़ा। ओकाड़ा में सुना एक बड़ा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, तो पहली ब्रेक हमने लगाई दीपालपुर। दीपालपुर में रहते हैं वारिस खेरा के रिश्तेदार, तो ये वारिस वगैरह का कज़न अब्दुल्ला वगैरह हमारे साथ मौजूद है। पहली ब्रेक हमने दीपालपुर लगाई और अभी हम तीनों जो है दीपालपुर से आगे जा रहे हैं ओकाड़ा। वहाँ चल के आपको दिखाते हैं वो स्विमिंग पूल। चलो भाई। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। ताकत रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे ओकाड़ा के इस वाटर पार्क का ये है मेन गेट। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हो तो यहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है आगे सीधा। गुजारी मैंने रातें पर तू ना मिली राहों में, रूठो ना यू तुम मुझसे, हार जाओ खुद को तुझ पे। ये आइसक्रीम वाले चाचा के पास से जब आप राइट साइड पे मुड़ोगे तो सामने कुछ दुकानें नजर आ रही हैं आपको छोटी छोटी, तो यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हैं जो कि आपसे आपका मोबाइल, पैसे, कपड़े, जूती वगैरह ले लेते हैं और शॉपरों में पैक करके वहाँ रख लेते हैं, आपके सामान का ध्यान रखते हैं। सामने आपको नज़र आ रहे हैं वॉशरूम, वहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो। ये लोग यहाँ आपने सामान जमा करवा दिया, वॉशरूम में से कपड़े आपने चेंज कर लिए। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया स्विमिंग पूल। ये पहला स्विमिंग पूल है जो कि छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पे पानी की हाइट भी कम है छोटे बच्चों के हिसाब से। तो असल जो आपको नज़र आ रहा है ना आगे वो स्लाइड जो देख रहे हो आप, असल मज़ा वो है, वो स्लाइड जो है उसके सामने स्विमिंग पूल है, वो उसमें पानी थोड़ा गहरा होता है। तो ये स्लाइड से जब आप आते हो ना तो यहाँ सारे पैसे पूरे होते हैं आपके, 200 रुपये टिकट है स्विमिंग पूल की। अच्छा तो यार जब भी मैं जाता हूँ किसी भी स्विमिंग पूल की वीडियो बनाने के लिए तो पहले मैं जाके वहाँ पे नहाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ और घर आ जाता हूँ। यहाँ भी मैंने ऐसे किया, पहले मैं नहाया, जब वीडियो बनाने के लिए बाहर निकला पूल से तो मैंने वहां पे देखा कि मेरी जूती गायब है, कोई बंदा वहां पे मेरी जूती उठा के ले गया। अब मैं परेशान, मैं जूती ढूंढ रहा था दाएं बाएं, मुझे पता था कि मेरी जूती मुझे नहीं मिलनी, कोई ले के चला गया है। लेकिन मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की, मैंने दाएं बाएं देखा, मेरी जूती मुझे ना मिली लेकिन मुझे अपनी जूती की जैसी एक और जूती वहां पे नजर आई किसी और की। तो मैं चलता आया, वो जूती मैंने पहनी और चलता गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब देखो यार जूती उठाना मजबूरी थी, वो ये कि हमने नहाने के बाद जाना था KFC कुकड़ फ्राइड चिकन, वहां पे कुछ खाने पीने, तो मैं अब नंगे पांव तो KFC जा नहीं सकता था, तो मैंने किसी और की जूती वहां से उठा ली, ठीक है ना। अब देखो जिसने मेरी जूती उठाई मैंने उसको कर दिया माफ, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हारी जूती वहां से गायब हुई है तो तुम भी माफ कर दो मुझे, और अगर नहीं माफ करना तो कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस लिख दो घर का, मैं तुम्हें जूती TCS करवा दूंगा, ओके। अब इस वाटर पार्क से नहा के निकले तो करीबी KFC था, तो अब हम सीधा जा रहे हैं KFC। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा पुसाना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, यहाँ से हम खाना अपना ऑर्डर करते हैं और पैसे देते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो लिखा हुआ है रिसीव, वहाँ से हम अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो